हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अर्नोल्ड क्लास वंस अगेन, जहां पे मैं आपको इंटीरियर में एक लाइटिंग करने के लिए दिखा रहा था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और करेंगे, जैसे इसमें ग्लास लगा सकते हैं आप, यहां पे विंडो फ्रेम लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसमें हम ये चीज़ सारी चीज़ें कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ऐसे बड़ा कर लूँ, एंड चूंकि मुझे यहाँ पे विंडो फ्रेम लगाना है तो मैं यहाँ पे बहुत तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जाइए, सीधा हम ले लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल लेकर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से आप स्नैप को ऑन कर लीजिएगा, एंड स्नैप करके आप इसको यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। देखो हमने लगा लिया इसको, एंड यहाँ पे जाएंगे रेंडरिंग में और इसको कर देंगे एनेबल, एंड रेडियल को हम कर लेंगे रेक्टेंगुलर, एंड यहाँ पे तकरीबन इसकी जो लेंथ विथ वगैरह होगी वो हम 3x3 का ही रखने वाले हैं, ठीक है। लाइक आप थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हो, तो 2x2x2 भी आप कर सकते हो, उसको 0 ही रखो, नो एंगल नीडेड। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ये फ्रेम बनी हुई है, अब ये आपका फ्रेम है, और मैं इसको P प्रेस कर लेता हूँ ताकि हम पर्सपेक्टिव पे आ जाएं, ये देखिए ठीक है। और मैं इसको W प्रेस करके यहाँ पे सेट करूँगा। अब जब आप सेट कर रहे होगे तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये प्रॉपर एकदम वॉल के बीचों बीच अगर लगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, सो यहाँ पे काफ़ी बेहतर ये आपको दिखेगा, लग गया हमारा यहाँ पे विंडो की जो फ्रेम है वो लग चुकी है। अब मैं इसमें, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, इसे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे W_frame, एंड ये हमारा विंडो फ्रेम हो गया। एंड देन अगेन आई विल गो टू द ज्योमेट्री एंड टेक अ प्लेन, एंड प्लेन, और मैं ऐसे प्लेन यहाँ पे लगा देता हूँ, and this is my glass, इसका नाम दे दीजिए आप glass, and just move it or set it here, ऐसा done। so proper तरीके से आपका यहाँ पे glass वगैरह सब कुछ यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे आपको जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे इसमें material assign करनी होगी यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ से सीधा M press करूँगा, and M press करने के बाद हमें क्या करना है कि हम इसको साइड कर देंगे, और यहाँ से हम ले लेते हैं लाइक फिजिकल मटेरियल, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं विंडो फ्रेम, ये फ्रेम की मटेरियल होगी। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे आपको मिलेगा मैट पेंट, रफ कंक्रीट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, पॉलिश एल्यूमिनियम, ब्रश मेटल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, राइट। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फिलहाल जो मैं करने वाला हूँ वो ले लेता हूँ ग्लॉसी पेंट, या फिर आप यहाँ से कुछ पॉलिश वाली भी चीज़ें ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सब मेटेलिक है, सो मेटेलिक मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइक ऐसा। आप मैट पेंट भी ले सकते हो, ग्लॉसी भी ले सकते हो, तो मुझे ना यहाँ से लेना है मैट पेंट। मैट पेंट लिया और मैं यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाके मुझे इसको लाइक ऐसा यूज़ करना है, ठीक है। हमने कर दिया ओके, एंड देन आप सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, डन। देन अगेन हम एक फिजिकल मटेरियल लेंगे और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे ग्लास, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा थिन ज्योमेट्री ग्लास वाली। अब इसे सेलेक्ट करें, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कर दें असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब ये देखो हमारा ग्लास भी बन गया, तो हम इसको कर देते हैं बंद फिलहाल के। अब देखो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ बन के तैयार है, मैं इसको थोड़ा पकड़ता हूँ, एंड इसको या, तो ये बाहर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे सब कुछ लग के तैयार है, अभी मैं सी प्रेस करूंगा और हमारे सामने होगा कैमरा, एंड नाउ जस्ट हिट रेंडर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कांच के थ्रू ये बहुत ही अच्छा, और देखो कांच के अंदर ये भी आपको रिफ्लेक्शंस, इसकी रिफ्लेक्शन भी आपको इसके अंदर मिल रही है। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जानी है रेंडर सेटिंग में, एंड यहाँ पे जाएंगे अर्नोल्ड रेंडरर, और आप चले जाओ नीचे, एंड देयर इज अ एनवायरमेंट एंड बैकग्राउंड, ये देखो। सो यहाँ पे आपको मिलेगा सीन एनवायरमेंट, नहीं हमें कस्टम मैप चाहिए, एंड इसमें जाएंगे, एंड यहाँ से हम चले जाएंगे सीधा कहाँ पे, बीट मैप, एंड बीट मैप में जाके हम यहाँ पे जाएंगे, और ये वाला हमने लिया था, आई थिंक ये हमने लिया था, तो हम इसको कर लेंगे ओके, एंड देन ओके,
डन। और अभी आप इसको रेंडर निकाल के देख लीजिए, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शा आपको रेंडर बाहर में पूरा सीन सीनरी वगैरह सब कुछ एंड फर्स्ट क्लास का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है नॉइज की, तो मैं एक बार के लिए रेंडर स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं लूंगा इसको रीजियन रेंडर। सो रीजियन रेंडर को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि हमें नॉइज समझ में आए कि नॉइज ठीक ठाक हम कर पा रहे कि नहीं। एंड उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको सबसे पहले इसको साइड में रखिए और इसे थोड़ा मिनिमाइज करके रखिए, यहाँ पे जाओ। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको नॉइज रिडक्शन करना है देन आपको यहाँ पे ये जो सैम्पल है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ 16 एंड दूसरा हमारा स्काई डोम इसको भी कर लेता हूँ 16। ये काफ़ी हद तक आपका नॉइज तो कम कर देगा, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये नॉइज के साथ साथ ये आपका रेंडर टाइम बहुत बढ़ाने वाला है। सो बेसिकली ये नॉइज के साथ साथ आपका रेंडर टाइम भी बहुत बढ़ाने वाला है। अब हम कर लेते हैं रेंडर एंड देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बढ़िया आपको रेंडर देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने छोटी सी एक रेंडर निकाली है, मैं इसका फाइनल आउटपुट भी आपको दिखा दूंगा वीडियो के एंड में कि कितना क्लियर होता है, क्योंकि वीडियो में अगर रेंडर करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां से आपको रेंडर का जो नॉइज है वो आप कम कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। ये देखिए काफी बढ़िया आउटपुट अभी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर चाहोगे तो काफी बढ़िया आउटपुट देखने को मिलेगा, कांच विंडो सब कुछ एकदम परफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं रेंडर को स्टॉप कर देता हूँ लाइक ओके। सो एंड देन अगेन आई विल गो टू अर्नोल्ड रेंडर और यहाँ पे आके आपको ये जो है ना ये जो डिफ्यूज की वैल्यू उसको आप बढ़ाएंगे 4 लाइक 4 एंड 4। ये जो रे देवता है इसको भी हम कर लेते हैं 4 4। ध्यान रखना कि ये जो है ये इसकी ओवरऑल वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे अगर मैं 4 करूँ एंड इफ आई विल कम हियर इफ आई क्लिक हियर सी आपको ये बढ़िया। तो अगर आप इसको जितना भी करेंगे आपकी रेंडर उतनी क्वालिटी वाली आएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका रेंडर टाइम है वो ये बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन रेंडर की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही फैंटास्टिक आने वाली है। सो हमने कर दिया, अब मैं यहाँ पे एक बार वापस रेंडर हिट करता हूँ एंड नाउ सी आप यहाँ पे देखेंगे इसकी रेंडर की क्वालिटी। ओके सो अगर यहाँ पे हमने देखा तो अभी हमें क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे थोड़े से ये पेड़ वेड़ ऐड किए हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में हम एकदम डेडिकेटेड ट्यूटोरियल आपके लिए बना दूंगा कि ये सारी चीजें हम कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे अर्नोल्ड रेंडर के अंदर में आकर ये वाली सेटिंग आपको रखनी है 4 4 4 ट्रांसमिशन 2 8 2 2। ठीक है, सो ये बेसिकली हमने एक सेटिंग रखा और यहाँ पे भी अभी आपको थोड़ी सी नॉइस में भी आएगी, थोड़ी सी नॉइज आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस लाइट को एक बार और पकड़ता हूँ और पकड़ के इसका जो वॉल्यूम सैंपल की जगह ये इसको मैं कर लेता हूँ 32 एंड इसे भी एक बार के लिए कर लेता हूँ 32। बट याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम बढ़ा देगा, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन स्टिल हम लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, एंड अभी हम यहाँ पे ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जहाँ पे आप एक अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इसको रेंडर करता हूँ एंड रेंडर करके मैं आपको एंड में इसकी आउटपुट भी दिखाता हूँ। तो हमने जो जो सेटिंग करे हैं वो आप भी अप्लाई करें और अप्लाई करके अपने इस जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और फाइल हमारे साथ शेयर करें। आप इंस्टाग्राम में हमें टैग कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लो, डिजाइनर ब्रजेश के नाम से मिल जाऊँगा मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।